दांत खाज खुजली की समस्या से है परेशान, इस घरेलू नुस्खे से 7 दिन में मिट जाएगा नामो निशान। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, दांत खाज या खुजली एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है। यह हाथ, पैर, गर्दन या अंदरूनी अंगों में कहीं भी हो सकता है। दिखने में यह किसी जख्म की तरह होता है और लाल या ब्राउन रंग में हमारी त्वचा से उभरा हुआ दिखता है। यह समस्या किसी को भी हो सकती है। यह छोटा सा भी हो और खुजली कर दी जाए तो यह तेजी से फैलने लगता है। ज्यादा बढ़ जाने पर इसमें फुंसी हो जाती है जिसमें पस भर जाता है। इसे नज़रअंदाज किया जाए तो यह बड़ा जिद्दी और गंभीर हो सकता है, इसलिए जरूरत है कि इसे जल्दी खत्म किया जाए। इसके लिए कई तरह की लगाने वाली दवा आती है, लेकिन घर में इसका रामबाण उपचार हो सकता है। दोस्तों, दांत की समस्या आम बात है और कई बार यह जल्दी ठीक भी हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा हो जाता है। इसके लिए बाजार में कई तरह की क्रीम आती है जो 5 से 7 दिन में दांत ठीक करने का दावा तो करती है, लेकिन अक्सर ये दावे गलत साबित होते हैं। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे एक कारगर घरेलू नुस्खे के बारे में। गेंदे के फूल और पत्तियां दांत की समस्या में बेहद कारगर साबित होते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। गेंदे का फूल न केवल ईश्वर की पूजा और सजावट के लिए किया जाता है, बल्कि यह दांत खाज जैसी बीमारी का रामबाण इलाज होता है। गेंदे में कई तरह के एंटी फंगल और एंटी एलर्जिक गुण होते हैं जो दांत खाज या खुजली जैसी समस्याओं को जड़ से दूर कर देते हैं। अगर आपको लंबे समय से खुजली की समस्या है तो उसमें यह नुस्खा बड़े काम का माना जाता है। दोस्तों, जानते हैं कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गेंदे की पत्ती को पहले पानी में डालकर उबाल ले। इसे उबालने के बाद ठंडा होने छोड़ दे। अब आपको शरीर में जहाँ खुजली है उस जगह पर इसे लगाए। लगाने के थोड़ी देर बाद इसे अच्छे से साफ कर ले। दूसरा तरीका है दोस्तों, गेंदे के फूल का रस निकाल ले या इसे पीस कर पेस्ट बना ले। अब इसे दांत प्रभावित जगह पर लगाए। सूखने के बाद इसे ठंडे पानी से धोकर हटा ले। इस नुस्खे से 7 दिनों के अंदर खुजली की समस्या में राहत मिलेगा। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।